पंडित जी किधरा बलवाओ ना छोरा का, मारे तो दोनों छोरे घर न बैठे से हैं। और थमने तो न्यू कही थी कि बड़ा छोरा ने ब्याह दोगे तो वो लग जाएगा, पर वो तो निखद का निखद ही बैठा से। Oh, no! हाँ ठीक से, ठीक से पंडित जी। अच्छा जी, ए माँ, मरे बाबू ने गणिया लो लिए खेत में जाए कि रोटी राटी और चाचू गाल दे या ठोका ठाकी पेर कर लिए। अरे कितने चाय बना लूं, वो दूध ने तो काटड़ा चूंग गया। अच्छा माँ, ईप के बनेगी, जब उसकी चाय नहीं पोची ना तो अपना कोर्ट मार्शल कर देगा। बहनू करे तू जाके नहने संजय की माँ पे लिया, उन्हें कह दिए काकी आज मारा काटड़ा चूंग गया। ना मैं को ना जाऊ उनके। क्यों तेरे के दिक्कत होगी? दिक्कत की मैं ना बुझा माँ, कल वो मैंने गली में फेंट गई और मर तनु बोली गोबर की हेल ठुआ दे, मेरा कुंसा उसके सरते हाथ पोछा था। फेर के मैंने गोबर की हेल उसकी छाती में मारी। अरे तू जा, अर मेरा नाम ले दिए गाल देगी। ना गाला तो रे। अरे ना गाला तो फिर अजीत हरकत लिया वांगे। फिर सीधा सीधा नहीं कह दे अजीत हरकत लिया। रे भाई इतना जी करे उसके दलिया जा, ले डोली दे दे फेरे। अरे वह खूटी के टंगरी से ले ले। मेरा क्या हाथ पोछा है, तू तार के दे दे। ले। अरे बेटा सुन, थोड़ा ध्यान से जाइए, कदे चोरा में पा जा, आज शनिवार से अरुड़े दे गणे चांस हो लिए। खाने का टाइम भी हो गया, पता नहीं कहाँ रह गया। आज तो खाने को दो पैर कर दी, फिर घर जाने का टाइम हो जाएगा। लगता है कहीं खेलने लग गया, एक बार फोन कर लेता हूं। हेडक्वार्टर से फोन आ जा। अरे कहां रह गया मेरे सन? बाबू मरा भूल गया था और लाग रहा हूँ। ये बता बेटा, अपने खेत का रास्ता तो सीधा सीधा है। ए बाबू मैं सीधे सीधे भूल गया था, और शुरू तो गलत डोला पकड़ गया, और कमेत्री लुगाई ने लेट करवा दिया। अच्छा ये बता, अब सही रास्ता पकड़ गया? जल्दी आ जा, मेरा भूख से बुरा हाल है। इब सही पकड़ गया, आ लाग रहा हूँ। इसकी बच्ची का डोली कुड़ ले गया खोश कर। माँ से ये कह थी अकूड़ा चुराया है और कई केस हो लिए, चल एक बार उल्टा देख का हूँ। ओहो पाते गई डोली, अपना चुराया के कर सके है, आपा खुद दा चुराए। मेरी माँ ने कुछ समझावे या तो चुराया के चक्कर में बड़ी रहे है। माँ हाँ। इस गेट में क्यों बंद करया कर रहे? के बात है, तेरे धक्का मारने में जोर पड़ गया। उस तेरे लोग का फोन आ जा था, उसने वार करवा दी और तावड़ी सी चा बना दे। अरे किसा दूध लाया है यो चा पाटगी? ए माँ तने जमा भी चा नहीं बनानी आंदी, तू प्रेम हो जे, ले मैं बनाऊंगा। ले तू बना ले। बस देख है ना चाह का एक्सपर्ट, या तो फिर पटगी, मैंने तो इस दूध में की मैं कमी लग गई। रे कमीन लासी ठाक लिया से देख। मैंने पहले कही थी मैं संजय का कोने जाऊं। अच्छा नू बता तने के कही थी जाके? मैंने कुछ नहीं कही,
वह संजय की बू थी, मन तो जाके उस तक डोली दे दी और उसने लाशी गाल दी। अरे तो इस मुंह में तो किमे तो बोल रहा हूं दा। वह एकली थी माँ, क्यों क्या इल्जाम ला दे। अरे छोड़ बेटा तू चाने, और जा तेरे बाबू की रोटी दिया रसोई में धरी से, मैं इतने लत्ते सुखाया हूँ। बाबू, ओ बाबू, कदे भूखा मर मर तो नहीं गया किते। मन दिखा किते सरसों में लोटिया पाओगा। बाबू लग तो फंडूरा है इधर। बाबू बाबू किसको बोल रहा है, मैं तो इधर हूं। ओ बाबू बोल पड़े, अम्बरी माँ का लोग बोल पड़ने। जवान दाएं से पीछे मुड़। ओ बाबू मरीज लेके तू मेरी डंग नापे है। जवान सुबह के खाने का क्या टाइम होता है। बाबू मेरी गलती को ना तेरी लुगाई ने वार करवा दी और चा भी नहीं बेची। तो स्टीफन में क्या है, चूरमा। हाँ खाले चूरमा, सूखे टिकट है चटनी के लिए। उसको तो मैं घर जाके देखूंगा, डिसिप्लिन में नहीं रहती है रामजादी, आज उसका कोर्ट मार्शल करना पड़ेगा। बाबू कड़मा मुसल बैठाना है। ओह नो, फिकर नोट जवान, आज करते हैं कोर्ट मार्शल, पहले करते हैं खाना पार्सल। मकोड़े तू आड़े क्यों कर। यस डियर भाभी, दिस इज माय श्रद्धा, श्रद्धा कपूर। वो अपन की माँ कह के मरी थी कि पूजा पाठ करो, भगवान के दर्शन करो तो अनुकंपा मिलेगी। चोखा। वैसे अभी भी भगवान से अपन ने एक स्पेशल मांगा और देखते ही देखते तू आ गई भाभी। हैं? अरे जगह देख काश के मारा कर मंदिर से हो। अरे कोई नहीं भाभी, अपन तेरी हेल्प कराएगा ना। आरती याद है तेरे? उसको कैसे भूल सकता भाभी, एक्स थी अपन की। अरे भगवान की कहूँ हूँ मैं, ताप पका लूंगी। अपुन भी तो वही बोला ना भाभी, उसके फादर का नाम भगवान दास था ना, अनुकंपा उसकी बड़ी बहन, उससे पहले वही मेरी एक्स थी। तू मैंने बात मना ला, आरती कर लेंगे। मैं किधर लगा रेला हूँ, तू ही इंटरेस्टेड दिख रही मेरे को। तू रहन दे, मैं अपने आप कर लूंगी आरती। देख भाभी, अपुन के भगवान ने एक ली औरत की मदद करने को कहा और अपुन करेगा। मन ना चाहिए तेरी मदद। पर अपुन तो करेगा। मन नहीं चाहिए मदद। पर अपुन करेगा। ना मन ना चाहिए तेरी मदद। करेगा। अरे मन नहीं चाहिए। अपुन तो करेगा। जय हनुमान। अरे ये तो अपुन का आयली है। बाबू। हाँ। आप एक मोटरसाइकिल ले ले। बेटा अपने पास पैसे नहीं है। जब तू रिटायरमेंट आया तो बैंक में पीछे पड़े पड़े जरे नहीं जाएंगे, तन्ने के छोरी बहनी है। बेटे मैंने तेरे लिए ही बचा के रखे हैं, अभी तेरी शादी भी करनी है। अच्छा बाबू, साइकिल पे पैर नहीं जाएंगे, इसे मोटरसाइकिल चाहिए। बाबू मेरे तो मीठी गोली देकर जब बका दी है। क्या बोल रहा है? कुछ नहीं बाबू, अपना घर आ जा। अच्छा चलो। बाबू यूत्रा लंच का डब्बा मांझण की जगह धरे आऊंगे। अरे गुड बेटे गुड। कड़ा है गुड़े? गुड़ नहीं बेटा, गुड। गुड मतलब बहुत अच्छा। अगर तू पढ़ लेता तो आज इंग्लिश में बात कर रहा होता। बाबू इंग्लिश के कारण तो मैं स्कूल में तो काट दिया। अच्छा मैंने ये बता, इंग्लिश पी के इंग्लिश बोलेगा तो स्कूल में से ही निकालेंगे। बोली नहीं थी, मेरे जोड़े में इंग्लिश पाजी थी बाबू। कहाँ से लेके आया तू? लेकर तू आया था बाबू, मैं तो लेकर गया था। मतलब मेरे वाली में से एक उड़ा ले गया तू। हाँ तभी मैं सोचू तीन बोतल लेके आया था, रह गई दो, तो एक को तू ले गया। हम्म।
क्या बात है, हमें सूखी रोटी और यहाँ पकवान खाए जा रहे। बाबू मारगोसा स्टेशन में। ओए तू आराम से बैठ। और हाँ, ये क्या डिसिप्लिन है, नीचे बैठ के कौन खाना खाता है? आराम से खाट पे बैठ के खा। अपना ही घर से यो, कितने ही बैठ के खा लो। यो के है रे, केले के छिलके उड़ फेंक दिए तुमने। माँ अपना ही मकान है, कितने फेंको। ये घर है, मकान नहीं है। बाबू मकान में अगर मचे फर्क हुआ है। बेटे घर बसाया जाता है, मकान बनाया जाता है। बाबू तू भूल गया ये, जब मैं तगार में बढ़िया करता और मेरा छाती तक पानी आया करता। हाँ, जब नाया करता ने तो एक एक तांसड़ा मसाला इसकी सुंडी में लिकड़ा करता। वाह ये भी तरकी बात है, सब आगे नहीं बता कर दे। अरे जब यो तेरा बाबू है तो उसे कोई बार का थोड़ी से। माँ यो तो बाबू है, तने नहीं बेरा कान्ना का बीबी तो वह है। अरे बीतों के कान हुआ से। हाँ कॉपी पेस्ट है। बाबू तू किमें कर मकान बनाओ था? ऐसा करो तुम माँ बेटे ही बना लो। ओ बाबू बता देना यार। नहीं मैं नहीं बता रहा। बाबू बता देना क्यों माचा है। देखिए कितनी बार होगी छोरा ने पूछ दे, बता दे। ओके बताता हूँ। बेटे मकान वो होता है जिसमें इंसान अपने परिवार के बगैर, अपने माता पिता के बगैर रहता हो, और घर वो होता है जिसमें इंसान अपने परिवार के साथ रहता हो, अपने माता पिता और बच्चों के साथ रहता हो। और आजकल बेटा घर बहुत कम रह गए। ठीक कहो सबबी, आजकल बहु वैसी आन लगी, घर ना घरे नहीं रहने देंदी। खोले ही बेटी ब्रत ले मा चादरा ला। वैसे एक बात है, इसका कुर्ता पजामा बहुत अच्छा बनेगा। शर्मा वैसे के थोड़ी बहुत है, यो भगवान जी का चादरा से। माँ ये का सनाड़े की नजर दिए, तू भी घर का कति सांग साखे नाये रखे से। बाबी मैं दर आऊंगा। ये नकोड़ा दादा। गुड मॉर्निंग बड़ी, गुड मॉर्निंग बड़ी, गुड मॉर्निंग बड़ी। भाभी तू ये नारियल मंदिर में ही भूल गई। भूली कौन है बैरी, चढ़ाक आई थी। पर ये तो नीचे गिर गया था। रे बेटा रे कोई मंदिर में चढ़ाई उड़ चीज भी उल्टी लाकर है। ताई ये तो अपन भाभी के वास्ते लिया आया, नहीं तो अपन किसी के दाग पे भी नहीं जाता है। तुम छोड़ो ना इसकी बात, ना जाओ बेसन पानी पे आओ। अब ले आए तो फोड़ ही देते हैं। सारे के सारे जवान रिपोर्टिंग इमीडिएटली। ये मेरी वर्दी किसने डाली काटड़े पर, अब बोलते क्यों नहीं? वो मैं तो लत्ती सुखा के आई थी, वो आवाज से पड़ गई होगी काटड़े पे। चुप, जुबान भी लड़ाते हो, तुम सोचते क्या हो, तुम कुछ सोचते ही नहीं हो। तुम्हें पता है वर्दी क्या है? तुम्हें कैसे पता होगा, जैसे हम लोग भगवान की पूजा करते हैं उसी तरह फौजी वर्दी की पूजा करता है। फौजी वर्दी पहनकर बॉर्डर पे खड़ा होता है, तब तुम लोग चैन की नींद सोते हो। ये सिर्फ वर्दी नहीं, फौजी के लिए भगवान है, फौजी का भगवान, समझे तुम? इन चीजों की भी कदर करना सीखो। ओके यू आर अंडरस्टैंड।